अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज IAS 7। पहले मैं थोड़ा सा इसको आपके कैश फ्लो की यानी कि IAS 7 की इंपॉर्टेंस बता दूं। एज वी ऑल नो दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पांच कंपोनेंट्स है, दैट इज फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी तरीके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, एंड फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जितनी कंपोनेंट्स हैं यानी कि आउट ऑफ फाइव तमाम कंपोनेंट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, चेंजेस इन इक्विटी है, या इवन नोट्स टू द अकाउंट्स है, तो इन चारों कंपोनेंट्स के लिए IAS ने या IFRS ने कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं लॉन्च किया। क्या मतलब कि अगर बैलेंस शीट की बात करूँ, PNL की बात करूँ, चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट की बात करूँ, इनकी प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, तो कोई आइसोलेटली, कोई इंडिविजुअली अलग से स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया, बल्कि इन तमाम चीजों की फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, इनकी किस तरीके से आपने इनको रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें IAS 1 के अंदर उन्होंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दी। अच्छा, इसी तरीके से नोट्स ऑफ द अकाउंट्स की अगर बात करूँ, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स के लिए भी कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया, हर स्टैंडर्ड के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दी गई, जस्ट लाइक IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर बता दिया गया कि किन बातों को आपने डिस्क्लोज करना है, फॉर्मेट क्या होगा वो IAS 1 के अंदर बता दिया गया। इसी तरीके से IAS 16 के स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है तो वो IAS 16 के अंदर ही बता दिए गए। लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम और द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट या पार्ट ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए अलग से पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम है IAS 7 कैश फ्लो स्टेट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करते वक्त हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं जो कि हमें IAS प्रिस्क्राइब करता है, दैट इज द डायरेक्ट मेथड। एक आपके पास होता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं थ्रू डायरेक्ट मेथड, और दूसरा आपके पास होता है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। सर, अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या और उसमें क्या चीजें शो करेंगे? इसके टाइटल से ही ऑब्वियस है कि इस पूरी स्टेटमेंट या वर्किंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश का फ्लो बता रहे होंगे, और जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कैश फ्लो अपने थ्रू आउट द लेक्चर्स के अंदर, जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कैश फ्लो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं कैश इनफ्लोज की बात कर रहा हूँ और कैश आउटफ्लोज की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर हम कैश फ्लो यानी कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को हम यहाँ पे बता रहे होंगे कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश का इनफ्लो किया और कितना कैश का आउटफ्लो किया। तो सर, ये कोई बहुत अनयूजुअल सी चीज तो नहीं है, इसके लिए हम कैश बुक नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं, तो कैश बुक के अंदर भी ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पर भी यही बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग का फर्क है। यहाँ पे आपने जो है वो एक प्रेजेंटेशन का एक मेजर डिफरेंस है कि कैश बुक के अंदर नॉर्मली आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बताते हैं लेकिन उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दैट इज द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं इनफ्लो और आउटफ्लो बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, बट यहाँ पर जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो होगा मेरे पास एक्टिविटी वाइज, यानी कि मेरे पास यहाँ पर बेसिकली इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एलोकेट करूंगा अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि मेरे पास होंगी। नंबर 1, सबसे पहले मैं बताऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं बताऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड 1 इज दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी कि कंपनी में जितना भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, बेसिकली हम करेंगे क्या, उस इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। सर, व्हाट इज दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंपली क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कैश का फ्लो हुआ है, दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं? इटमे द रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री का परचेज करना, सप्लायर्स को पेमेंट करना, कस्टमर से रिसीव करना, रेंट पे करना, इंश्योरेंस पे करना, ये सारी क्या कहलाती है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस। डे टू डे अफेयर्स के अंदर जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनमें जितना भी कैश का फ्लो है वो हम इस हेड के अंदर शो कर रहे होंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड जो भी आपने डील किया,
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है, सेल किया है, या इसी तरीके से आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स वगैरह आपने बॉट और सेल किए, इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रांट वगैरह रिसीव किए गवर्नमेंट से, तो ये सारी क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपके पास यहाँ पर कहलाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूँ, तो दो मेजर फाइनेंसिंग होती है, दैट इज द आपके पास यहाँ पर होती है, एक तो डेट फाइनेंसिंग और एक इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अगर डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट से और ऑर्डिनरी शेयर से रिलेटेड अगर आपके कोई इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, तो वो भी हम इस एक्टिविटीज यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। और अल्टीमेटली मुझे देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। सर, अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है, फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंस है? तो एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। जो मेजर डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेटिंग में आता है। याद रहे, इनडायरेक्ट मेथड जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमारे पास कुछ फ्लॉज हैं, कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि ये प्रॉफिट नॉर्मली एक्रुअल बेस्ड होता है, यानी कि ये प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये एक्रुअल बेस्ड भी कैलकुलेट किया हुआ है। एक्रुअल बेस्ड का मतलब ये है कि इस प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि नॉन कैश है। एक्रुअल का मतलब ये, एक्रुअल का मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर लिए जिसमें आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ हुआ, तो उसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम है जो कि नॉन कैश आइटम्स है। और नॉन कैश आइटम्स का मतलब ये है कि उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। जिसकी अगर मैं एग्जाम्पल दू, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है जो कि हमने पे नहीं किया, लेकिन वो आपने प्रॉफिट के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ होगा, प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ होगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लू तो जिसके अंदर आपके पास हो सकता है, दैट इज द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। आपने एक एसेट आपने बेचा, और उस एसेट के बेचने पे अगर आपको कोई गेन या लॉस हो रहा है, तो वो गेन या लॉस आपने जो है वो रिकॉर्ड कर दिया अपने पीएनएल के अंदर। अब आपने वो गेन और लॉस तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो देखा जाए तो गेन और लॉस और डिस्पोजल वो आपको कोई प्रोसीड नहीं दे रहा, क्योंकि सेल्स प्रोसीड एक अलग चीज है आपके पास, गेन और लॉस और डिस्पोजल अलग है, लेकिन वो अपने पीएनएल में रिकॉर्ड किया हुआ है। लाइकवाइज अगर आपने कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये भी क्या, ये भी नॉन कैश है, क्योंकि इसकी एंट्री अगर आप देखें पीएनएल या इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, फिर तो सर डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसमें भी कोई कैश का आउटफ्लो यही नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉर्मली कहलाते हैं। इसी तरीके से एमोर्टाइजेशन है, तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने पीएनएल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन उनमें कोई कैश कैश का कोई एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आप पीएनएल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको हम अक्रूड बेस कह रहे हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम्स कह रहे हैं, जिसका मतलब ये कि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रिकॉर्ड किए हुए। तो हम करते क्या है, हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करके हम अपने इस प्रॉफिट को कैश बेस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर कैश बेस बनाने के बाद हम यहाँ पे कर रहे होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन आपके पास करंट लायबिलिटीज, नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करते हुए। ये तो मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड की, लेकिन डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली हम ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट नहीं करते। तो पहला डिफरेंस, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, इसकी एडजस्टमेंट्स होती है, एंड देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज है। बट डायरेक्ट मेथड के अंदर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से, कि टोटल कैश कितना रिसीव हुआ फ्रॉम द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो कि हम डेफिनेटली कैलकुलेट करते हैं थ्रू रिसीवेबल लेजर्स। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से आपने स्टार्ट किया, अब जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप पे कर रहे हैं, इवन पेमेंट टू सप्लायर्स है, पेमेंट टू वेजेस है, पेमेंट टू आपके पास जो है वो एम्प्लॉयज यानी कि सैलरीज है, इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, जितने भी आपके कैश आउटफ्लोज हैं, आपने रेंट पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, जितना भी आपके कैश आउटफ्लोज या इनफ्लोज है, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करते, इसके अंदर अल्टीमेटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, वो डायरेक्ट मेथड के अंदर कर देते हैं। मैं अगर बात करूं विद रिस्पेक्ट टू F3, F3 के अंदर आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों टेस्ट किया जाता है, लेकिन
अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं F7 लेवल के ऊपर, तो F7 के ऊपर एग्जामिनर का जो मेजर फोकस है वो इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर नहीं है। अच्छा, बस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अगर कोई मुश्किल काम है तो वो क्या है सर? उसमें आपके पास हमें चाहिए कैश पेड और कैश रिसीव के अमाउंट। एग्जामिनर मुझे यहाँ पे दो चीजें देगा, एक बैलेंस शीट देगा और दूसरा पीएनएल देगा। बैलेंस शीट हमेशा कंपैरेटिव होगी, दैट इज दो इयर्स की होगी, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर की होगी। पीएनएल मेरे पास करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी जाएगी और पीएनएल मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। मुझे करना है क्या, मुझे इन दोनों के ऊपर बेस करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। जो सबसे ज्यादा इश्यू होता है वो ये होता है कि मुझे कैश पेड और रिसीव के अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा जो टूल है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, दैट इज दी लेजर्स। मैं लेजर्स के थ्रू यहाँ पे कैश रिसीट और पेड के अमाउंट को यूज करूंगा, और इस क्वेश्चन के यानी कि कैश फ्लो से रिलेटेड जो मेरी असेसमेंट है वो ये कि ये सेक्शन ए और बी के अंदर इसकी टेस्टिंग के चांसेस ज्यादा है इन रिस्पेक्टिव सेक्शन सी के अंदर। लेकिन अगर सेक्शन सी वो टेस्ट कर भी लेता तो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट टास्क जो कि एग्जामिनर शायद आपको F7 के लेवल के ऊपर ना करे। F7 पे उसका जो मेजर फोकस होता है वो कंसोलिडेशन रेशियो और फाइनल अकाउंट पे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे उसका मेजर फोकस नहीं होता। लेकिन अगर हो जाए तो बेस्ट पार्ट होगा आई गेस। तो उसके अंदर आपने बिल्कुल भी जो है ना वो इरिटेट या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। आप फॉर्मेट पे बेस करेंगे एंड देन फॉर्मेट की बेसिस के ऊपर जो है आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट भी शो कर देता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नॉर्मली होता है किस तरीके से। तो ये आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड से। मैं इसका अगर आपको स्केच शो कर दूं जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें आपके पास आ रही होंगी, तो ये आपके पास एक स्केच है जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें यहाँ पर आ रही होती है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉरी ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। नंबर टू, इसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और थर्ड वन इज ये भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ सकती है, और नॉन कैश आइटम की क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। और इसी तरीके से और मैं अगर बात करूं कि फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ये एक परफॉर्मा बना हुआ है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट करेंगे, नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट्स होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल पेबल और इन्वेंटरीज नॉर्मली आता है, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड और नॉर्मली डिविडेंड पेड को भी हम नॉर्मली यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आपके पास यहाँ पर आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपके पास यहाँ पर आ रही है, एंड देन फिर आपका नेट कैश फ्लो आउटफ्लो आ गया, देन इसके बाद आपने इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपने इसको कंपेयर कर दिया। तो ये एक आपके पास फॉर्मेट है जो कि नॉर्मली आपके पास यूज किया जाता है फॉर इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब मैं जो नॉर्मली बात करने जा रहा हूँ मेजर कंसर्न यानी कि ए और बी के अंदर एमसीक्यूज किस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे, तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मेरे पास आ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट पेबल 20x7 पे दे रहा है एंड 20x8 पे मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, दैट इज 20x7 is the closing of 2007 and definitely an opening balance for 2008 का closing balance दे रहा है। अच्छा, P&L का amount दे रहा है, interest expense for the year is $70,000, calculate क्या calculate करना है, that is the amount of interest paid, कुछ interest paid के amount को यहाँ पे calculate करना है। किस तरीके से calculate करूँगा, simply मैं interest payable का ledger बनाऊंगा। इंटरेस्ट पेबल का जब मैं लेजर बना रहा हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर पुट करूंगा ओपनिंग बैलेंस जो कि मेरे पास कितना गया, मैंने फिलहाल $50,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गया मैंने। देन मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज $80,000, तो $80,000 मैंने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया। और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो 70,000 से मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट पेबल को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और मैं यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 50,000 प्लस 70,000 एंड माइनस 80,000, सो मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑन डेबिट साइड और वो मेरे पास आ रहा है 40,000, और ये मेरे पास क्या है, ये है इंटरेस्ट पेड की अमाउंट जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की, इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एज एन आउटफ्लो शो कर रहा होगा, इंटरेस्ट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर नॉर्मली इसी तरह के एमसीक्यूज टेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट से आपको डिस्क्रिप्शन दी गई होगी जिसमें आपने कैश पेड और रिसीट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर टू जिसके अंदर मेरे पास यहां पर कह रहा है कि
अच्छा क्वेश्चन नंबर टू क्या था मेरे पास, यहाँ पे कह रहा है कि टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस या बस का मतलब लेजर जो बनेगा वो टैक्स पेबल यानी कि लाइबिलिटी का लेजर बनेगा। टैक्स पेबल का हमने यहाँ पे लेजर प्रिपेयर किया, ओपनिंग बैलेंस अगेन 1,20,000, तो ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड रिपोर्ट कर दिया लाइबिलिटीज है। क्लोजिंग बैलेंस इज 1,35,000, तो 1,35,000 का हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया। पीएल के अंदर टैक्स एक्सपेंस दे रहा है, एंट्री बन जाएगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड टैक्स पेबल क्रेडिट दैट इज 55,000, तो 55,000 से हमने यहाँ पर जो है वो पीएनएल के नाम से इसको 55,000 को पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। अगेन टैक्स पेड के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा है, तो 120 प्लस 55 दैट इज 175 एंड इसमें से माइनस कर देंगे 135 दैट इज 40,000। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे कैश फ्लो। याद रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो चीज रेलिवेंट है दैट इज द कैश पेड एंड कैश रिसीव, दैट्स इट। पीएनएल में कितना चार्ज किया, लीस्ट बॉदर अबाउट इट, मेरे लिए जो मेजर फोकस है दैट इज कैश पेड एंड रिसीव। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर मेरे पास यहाँ पर डेफर्ड इनकम दे रहा है, और ये डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ होगा, ये डेफर्ड इनकम का मतलब है ग्रांट से रिलेटेड आपके पास दे रहा है, IAS 20 को हिट कर रहा है। डेफर्ड इनकम इज लाइक अ लाइबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव कर ली है बट आपने अभी तक उस कंडीशन को मीट नहीं किया जिसकी वजह से ये ग्रांट मिली थी, तो ये मेरे लिए फिलहाल लाइबिलिटी है। तो डेफर्ड इनकम मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटी दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस 1,90,000 का आपके पास यहाँ पे ग्रांट था, क्लोजिंग बैलेंस अब ग्रांट की जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ रही है दैट इज 1,75,000 आ रही, और इसी तरीके से ग्रांट इनकम पीएनएल के अंदर जो रिकॉग्नाइज की गई है यानी कि रिलीज की गई है, उसको रिलीज भी कहा जाता है, ग्रांट रिलीज भी कहा जाता है, तो दैट इज आपने कुछ लायबिलिटी रियलाइज कर ली यानी कि ऐसा इनकम रिकॉर्ड कर दिया, तो ग्रांट पेबल डेबिट यानी कि डेफर्ड इनकम डेबिट कर दिया होगा और ग्रांट इनकम आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, सॉरी डेफर्ड इनकम आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया होगा विद द अमाउंट ऑफ $40,000। सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा, 40,000 प्लस 1,90,000 एंड माइनस 1,75,000, इसके अंदर एक छोटा सा एरर हुआ क्या कि ये पीएनएल यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्रांट रिलीज किया हमने, और जब ग्रांट रिलीज किया हमने तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर एंट्री क्या बननी होगी, दैट इज द डेफर्ड इनकम डेबिट, डेफर्ड इनकम को डेबिट कराऊंगा, पीएनएल को क्रेडिट कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल डेफर्ड इनकम का लेजर बना रहा हूँ, तो डेफर्ड इनकम को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा कितने से, 40,000 से, जो कि हमने कहाँ पर ट्रांसफर की होगी, ग्रांट पीएनएल के अंदर। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर देखा जाए डिफरेंस कितना आ रहा है, डेबिट में से क्रेडिट को अगर माइनस करो तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। ये क्या है सर, ये ग्रांट रिसीव यानी कि हमारे पास कुछ ग्रांट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, उसकी एंट्री क्या बन रही है, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज द ग्रांट रिसीव, कैलकुलेट क्या करना था, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद रही है ग्रांट जो है आपके पास एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एज अ प्रोसीड यानी कि रिसीव में रिसीव यानी कि एज अ कैश इनफ्लो आएगा 25,000 क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट रिसीव या एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। अच्छा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर है मेरे पास, लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर मेरे पास क्या कह रहा है, इंटरेस्ट पेबल, अगेन मेरे पास इंटरेस्ट पेबल का लेजर बनाना है, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा होगा, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा होगा, कितना दे रहा है ओपनिंग बैलेंस दैट इज 90,000, और इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज 75,000, इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 75,000 दे रहा है। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहा है 60,000, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000 क्रेडिट कर देता लेकिन कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ अनवाइंडिंग रिलेटिंग टू द प्रोविजन स्टेटेड एट द प्रेजेंट वैल्यू 1,30,000। हमें पता है कि अनवाइंडिंग होती है जिसमें आप फाइनेंस कॉस्ट डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट नहीं करते, प्रोविजन है आपने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, हर साल थोड़ा थोड़ा करके आप उसकी अनवाइंडिंग करते हैं, और जब अनवाइंडिंग करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट करते हैं यानी कि उसी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी को आप क्रेडिट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर अगर डिसमेंटलिंग है तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को आपने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट नहीं होता। तो उसका मतलब 60,000 के अंदर आपके पास अनवाइंडिंग भी शामिल है, और मुझे पता है अनवाइंडिंग के एंट्री में इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट नहीं हो रहा, जबकि मैं लेजर किसका बना रहा हूँ, इंटरेस्ट पेबल का, तो उसका मतलब ये 60,000 में से उस अनवाइंडिंग के अमाउंट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1,30,000 और उस 1,30,000 के ऊपर 10% दैट इज 13,000, और मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस में से 13,000 माइनस कर दूंगा,
क्यों माइनस कर रहा हूं, मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट नहीं हो रहा होगा, तो इंटरेस्ट पेबल जो मैं अभी क्रेडिट करूंगा दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो रहा होगा 47,000 से, नॉट विद द 60,000। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि 13,000 की वो अमाउंट है जो प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या जो भी आपका प्रोविजन है उस लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहा होगा, इंटरेस्ट पेबल की लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं कर रहा। खैर 47,000 प्लस 90,000 एंड माइनस 75,000, तो 62,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आगे मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास यहाँ पर दे रहा है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेरे पास वैल्यू दे रहा है 4,10,000 एंड 5,45,000 होगा, ये 5,45,000 होगा, उसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा, 5,45,000 है। अच्छा खैर तो ये मेरे पास यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये 4,10,000 है और ये 5,45,000 है, अच्छा मेरे पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट का लेजर बनेगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर बनाने जा रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अपने पास नोट कीजिएगा कि जब भी आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बन रहा है नेट बुक वैल्यू पे। किस पे बन रहा है ये? नेट बुक वैल्यू पे बन रहा है। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, इट मींस कंपनी ने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक ही लेजर बनाया हुआ, कॉस्ट भी इसी में रिकॉर्ड हो रही है, डेप्रिसिएशन भी इसी में रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स नोन एज व्हाट, नेट बुक वैल्यू लेजर। तो ये नेट बुक वैल्यू लेजर में बना हुआ है, अगर कोई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होगा तो मैं इसी लेजर के अंदर उसको रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा 4,10,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है दैट इज 5,45,000 मेरे पास यहाँ पर दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इज $40,000, तो मेरे $40,000 का जब डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो मैं डेप्रिसिएशन भी यहीं पे रिकॉर्ड करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से कोई लेजर अकाउंट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे $40,000 से। अच्छा इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर देयर हैड बीन अ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, आपने नॉन करंट एसेट बेचा है फॉर $30,000, $30,000 से आपने नॉन करंट एसेट बेचा है, द एसेट एट ओरिजिनली कॉस्ट फॉर $50,000 एंड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ $20,000, आपने एसेट बेचा है जिसकी कॉस्ट आपके पास है $50,000, नेट बुक वैल्यू है $20,000 और वो आपने बेचा है $30,000 का। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो एसेट बेचा है तो एसेट कम होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज किस वैल्यू से करूँ, ये लेजर नेट बुक वैल्यू पे हो रहा है तो हम एसेट को भी नेट बुक वैल्यू पे ही क्रेडिट करेंगे, यानी कि डिस्पोजल के नाम से हम $20,000 से यहाँ पर नेट बुक वैल्यू को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट से की नहीं करें क्योंकि कॉस्ट का लेजर नहीं है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ होता तो मैं कॉस्ट का लेजर अलग बनाता और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग से प्रिपेयर करता। खैर अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, अब डिफरेंस अमाउंट चेक करते हैं जरा, और कोई मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज नहीं है फिलहाल, तो 40,000 प्लस 20,000 प्लस 5,45,000 एंड माइनस 4,10,000, दिस मींस 1,95,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, और ये क्या शो कर रहा है दैट इज द एडिशन, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ नॉन करंट एसेट परचेज किए हैं और आपने जब परचेज किया तो एंट्री क्या बनी होगी, पीपी यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 1,95,000 से आपके पास एडिशन हुआ। अच्छा अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूँ तो रिक्वायरमेंट में क्या रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कितना नेट कैश फ्लो हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर याद रखिएगा नॉन करंट एसेट से रिलेटेड दो चीजें होती है, एक है सेल्स प्रोसीड, अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो कितने पैसे रिसीव किए, और नंबर दूसरा है आपके पास एडिशन या परचेज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर मैं देखूं तो एडिशन कितने का हो रहा है 1,95,000, और अगर ये एडिशन है तो मैंने एसेट जब खरीदा तो इट्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि मैं पैसे आ नहीं रहे बल्कि पैसे जा रहे, इट मींस माइनस, और सेल्स प्रोसीड मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बता दी है दैट इज $30,000 के, $30,000 के हमने नॉन करंट एसेट बेचे हैं, और जब बेचे हैं तो उसका मतलब ये कि इनफ्लो है, तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1,65,000 का आउटफ्लो आ रहा है, यानी कि नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कैलकुलेट किया। अच्छा अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट लेजर अलग बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर बिल्कुल अलग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब इस दफा मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अलग से गिवन है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 1560 और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आएगा दैट इज 1596। ये वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास गिवन है कितना है दैट इज 224 एंड क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर गिवन है दैट इज 318। 318 का मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर की इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। कह रहा है पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 118, क्या मैं उसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लेजर में रिकॉर्ड कर दूं? नहीं, मैं जब अलग से लेजर बना रहा हूँ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रिकॉर्ड करूंगा। एंट्री क्या बन रही होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑन डिस्पोजल। पहली बात, क्या लॉस ऑन डिस्पोजल को हम एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपके पास यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या नॉन करंट एसेट का पीपी का लेजर है, इसमें लॉस एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिस्पोजल अकाउंट। तो सर ये क्यों दिया हुआ है? दैट इंडिकेट्स कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचा है, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचा है। कितने का बेचा है, कौन सा एसेट बेचा है, ये सब कैसे फाइंड आउट होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज अ नॉन करंट एसेट, आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया जिसके लिए आपने एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट और बैंक क्रेडिट। एक बात याद रखिएगा, जब भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर एग्जामिनर एमसीक्यू अगर आपको प्रोवाइड करेगा तो वो आपको सेल्स प्रोसीड या परचेज में से कोई एक चीज जरूर देगा। आई रिपीट, या तो आपको सेल्स प्रोसीड दे देगा या परचेज की अमाउंट दे देगा। जैसे कि अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन हम देखें तो उसके अंदर मुझे उसने सेल्स प्रोसीड दे दी थी कि एक एसेट आपने बेचा है कितने का, 30,000। मैंने यहाँ पे परचेज की अमाउंट को खुद कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे परचेज के अमाउंट को दे दिया, अब मुझे सेल्स प्रोसीड को डेफिनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको कैसे पता चला कि एसेट हमने बेचा है? क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल गिवन है, इट मींस देयर इज सम डिस्पोजल। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेल्स प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए एक IAS 16 में फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मली। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल को हम कंपेयर करते हैं सेल्स प्रोसीड से, तो हमें पता चल जाता है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी मजे की बात यह कि मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल उसने खुद बता दिया है। लॉस ऑन डिस्पोजल मेरे पास आ रहा है $18 का, $18 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी उसने मुझे बता दी है कि जो एसेट आपने बेचा है, यानी कि जबकि मेरे पास यहाँ पर जो एसेट, अच्छा खैर मेरे पास बुक वैल्यू पता नहीं है, तो अब मैं करूंगा क्या? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लेजर का अगर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूँ, ओपनिंग डाल दिया है, परचेज इनपुट कर दिया 1560 डेबिट साइड प्लस 90 1650 और 1596, इट मींस डेबिट साइड इज हायर एंड क्रेडिट साइड इज शॉर्टर। यानी कि पीपी की बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पर आ रही है दैट शोज कि आपने कोई एसेट बेचा है जिसकी कॉस्ट 54 है। इसी तरीके से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 224 प्लस 118 माइनस 318, तो 24 से डेबिट साइड शॉर्टर है, दैट अगेन शोज कि आपने जो एसेट बेचा है उसका डिस्पोजल या डेप्रिसिएशन जो था वो दैट इज 24। क्यों? याद रखिएगा, जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं तो हम उसकी यादों को खत्म कर देते हैं, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर देते हैं। लाइकवाइज हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 24 से डेबिट किया, इट मींस जो एसेट मैंने बेचा उसकी कॉस्ट 54, जो एसेट मैंने बेचा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24, तो 54 यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जो एसेट मैंने बेचा है उसके नेट बुक वैल्यू आ रही है दैट इज 30। मेरे पास यहाँ पर नेटबुक वैल्यू आ रही है। सर 30,000 वाला एसेट आपने 18,000 लॉस में बेचा है, तो उसका मतलब ये कि अगर 18,000 लॉस में बेचा है तो मैंने कितने का बेचा होगा, दैट इज 12,000। तो उसका मतलब मेरे पास सेल्स प्रोसीड आ गए, दैट इज 12,000 की सेल्स प्रोसीड आ गई। अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? सेल्स प्रोसीड मेरे पास आ गई है दैट इज 12,000, यानी कि मेरे पास फ्लो है, पैसे आ रहे हैं, और परचेज किया है दैट इज एडिशन हमने किया है, और एडिशन हमने कितने का किया है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 90,000 का या 90 का हमने एडिशन किया है, तो उसका मतलब 90,000 के एडिशन की वजह से देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, 78,000 ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज नेट आउटफ्लो, दैट इज द नेट आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये मेरे पास क्या, नेट कैश आउटफ्लो यहाँ पर आ गया।
ये हमने लेजर बना के प्रिपेयर किया कि किस तरीके से मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो को कैलकुलेट करना। नॉर्मली जो एडजस्टमेंट आती है इनकम टैक्स की आती है, इसी तरीके से आपके पास इंटरेस्ट पेड की नॉर्मली आती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा आती है, इसी तरीके से इनकम टैक्स वगैरह की, यही कुछ और डेफर्ड इनकम की नॉर्मली एडजस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आपने कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट करना है। अच्छा एक काम और करते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, हम एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कैप्लान के किट के क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं जरा। ये क्वेश्चन 221 है आपके पास, कैप्लान की किट का क्वेश्चन है और इसमें जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। सो आइए जरा देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस दे रहा है और अगेन यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दी हुई है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है और खुद उसने लिख भी दिया दैट इज द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि एक ही लेजर बनेगा उसी में डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है दैट इज 14,400, यानी कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होगा, ओपनिंग बैलेंस दे रहा है दैट इज 14,400 और इसी तरीके से इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है 23,400। तो क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे पुट कर दिया 23,400। ड्यूरिंग द ईयर की कोई एडजस्टमेंट दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज 2.5 मिलियन दैट इज 2,500, तो हम इसी के अंदर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू के ऊपर है, 2,500 ये हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एन आइटम ऑफ प्लांट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3 मिलियन वाज सोल्ड फॉर 1.8 मिलियन, यानी कि हमने प्लांट बेच दिया है जिसकी बुक वैल्यू थी 3 मिलियन, मुझे अभी 1.8 मिलियन से कंसर्न नहीं है, 3 मिलियन का एसेट हमने बेच दिया है तो 3,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया दैट इज विद द नेम ऑफ डिस्पोजल। आगे चलते जरा, फिर इसके बाद आ रहा है प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड अपवर्ड और अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 2 मिलियन से, तो उसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 मिलियन से बढ़ा दिया होगा विद द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। एनवायरमेंटल प्रोविजन ऑफ 4 मिलियन रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर, आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किया था डिसमेंटलिंग से रिलेटेड या एनवायरमेंटल प्रोविजन से रिलेटेड, और हमें पता है एज पर आईएएस 16 या एनवायरमेंटल प्रोविजन की जो एंट्री बनती है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल क्रेडिट, एनवायरमेंटल प्रोविजन या प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल क्रेडिट, इसका मतलब 4,000 से मेरे पास यहाँ पर जो है वो प्रोविजन के नाम से हम क्या कर देंगे नॉन करंट एसेट को डेबिट कर देंगे, ये हमने क्या कर दिया प्रोविजन को नॉन करंट एसेट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया। व्हाट अमाउंट शुड बी शोन इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इन परचेज, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बताना है, आपने टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं बतानी, अगर टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बतानी होती तो मैं सेल्स प्रोसीड को भी कंसिडर करता, लेकिन अभी सिर्फ मुझे परचेज का बताना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज सारी मैं पुट कर चुका हूँ, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो देख लेते कितना आ रहा है 14,400 प्लस 2,000 प्लस 4,000 एंड माइनस 5,500 माइनस 23,400 8,500 का आपके पास यहाँ पर आ रहा है दैट इज परचेज, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्टर है तो ये आपके पास बैंक की अमाउंट है, यानी कि आपने वो एसेट जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया तो ये आपके पास 8,400 यहाँ पे 8,500 की अमाउंट है जो कि आपके यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा दैट इज 212 का भी देखते हैं, 212 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th September 2005, अच्छा स्टार्टिंग से अगर हम पढ़े 1st October 2004, और मैं अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड देखो तो मेरे पास यहाँ पे 30th September 2005 है, दैट शोज के वो मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। अक्रूड इंटरेस्ट पेबल इज $12,000, तो मेरे पास इंटरेस्ट पेबल दे रहा है दैट इज $12,000 और इंटरेस्ट पेबल मेरे पास यहाँ पर कितना है दैट इज $12,000, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया $12,000। अच्छा इसके अलावा फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th September चार्ज फाइनेंस कॉस्ट $41,000 टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस $41,000 है, मैं पेबल लेजर के अंदर इसको क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन क्या कह रहे हैं इंक्लूडिंग इसके अंदर मौजूद है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट रिलेटिंग टू अ प्रोविजन स्टेटेड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू $1,50,000, कह रहे हैं इस इंटरेस्ट एक्सपेंस 41,000 के अंदर आपके पास अनवाइंडिंग, और याद रखिएगा अनवाइंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट नहीं होता। इट मीन्स कि मैं ये पूरा 41,000 अभी पेबल लेजर के अंदर इंटरेस्ट पेबल के अंदर क्रेडिट नहीं कर सकता। अच्छा प्रोविजन जो बनाया गया था वो 1,50,000 का बनाया गया था और आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है 15,000, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ 15,000, और अगर यकीन माने ये अनवाइंडिंग वाली बात ना लिखी हुई होती ना तो मैं इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर देता 41,000 से, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनवाइंडिंग भी है
और अनवाइंडिंग का अमाउंट कितना है मुझे नहीं बता रहा, लेकिन उसने मुझे बता दिया प्रेजेंट वैल्यू जो थी दैट वाज द 15,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मुझे बता रहा है दैट इज 6%। तो उसका मतलब ये है कि 1,50,000 का 6% मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये आपके पास आ रहा है दैट इज 9,000। दैट मीन्स के 9,000 जो आपके पास है वो प्रोविजन को क्रेडिट करेगा, पेबल को क्रेडिट नहीं करेगा। तो 41,000 में से अगर मैं 9,000 माइनस कर दूं तो मेरे पेबल को क्रेडिट करेगा दैट इज 32,000। तो 32,000 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 32 प्लस 12 एंड माइनस 15 दैट इज 29,000 का इंटरेस्ट है जो कि डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर शो कर रहा है, एंड दैट इज द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। आई होप ये बात क्लियर भी होगी कि इंटरेस्ट पेड को हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो 29,000 जो आपके पास है करेक्ट आंसर भी क्लियर किया जाएगा। अच्छा एक और एडजस्टमेंट, एक और क्वेश्चन है किट का, दैट इज 213। 213 अगर मैं देखूं दैट वाज 210 कैप्लान की किट का क्वेश्चन था, 211 ये भी कैप्लान की किट का क्वेश्चन था, आई गेस मैंने नंबरिंग शायद गलत कर दी है, दैट वाज 211 यस 211 212 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, डेफर टैक्स लाइब्रेरी दे रहा है, करंट टैक्स पेबल भी दे रहा है 106 एंड 119। अच्छा मेरे पास यहाँ पे दोनों लाइब्रेरीज है तो मैं यहाँ पर दोनों का कंबाइंड लेजर बना देता हूँ और उसको नाम देता हूँ इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल का नाम दे दिया क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इनकम टैक्स का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। और मैं अगर करंट टैक्स डेफर टैक्स देखूँ तो ओपनिंग है 27, ओपनिंग 27 है, और इसी तरीके से अगर मैं करंट टैक्स पेबल देखूँ दैट इज 106, तो 106 इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं दैट इज 27 प्लस 106, तो ये आपके पास आएगा दैट इज 133। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे पुट करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आएगा दैट इज 38 प्लस 119, तो ये हमारे पास आएगा दैट इज 157 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया दैट इज क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है मेरे पास, कह रहा है इनकम टैक्स एक्सपेंस इज 122, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट 122 से मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया और ये पीएनएल में डेफिनेटली चार्ज हो रहा होगा। तो कैलकुलेट करते हैं 133 प्लस 122 दैट इज 255 एंड माइनस 157 दिस विल मेक 98। तो इसका मतलब ये कि टैक्स पेड जो आपके पास आ रहा होगा या कैश पेड जो आपके पास आ रहा होगा दैट इज $98 या 98,000 मेरे पास यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव समझा रहे कि किस तरीके से हमें करना है, यानी कि हमें कैश पेड की अमाउंट को नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दैट इज एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज टू ट्वेंटी भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर 220 के अगर अगर आप देखें क्या कह रहा है, ऑन 1st January 2010 कंपनी हैड गवर्नमेंट ग्रांट हेल्ड इन डेफर्ड इनकम $9 लाख। 1st January 2010 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस है $9 लाख, ड्यूरिंग द ईयर रिलीज $1 लाख, दैट मीन्स की लाइब्रेरी कम हो गई और इनकम बढ़ गई होगी। 31st December 2010 पे डेफर्ड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रहा है, तो कैसे करेंगे इसके अंदर, मेरे पास यहाँ पे डेफर्ड इनकम का लेजर बनेगा, डेफर्ड इनकम का लेजर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी दे रहा है दैट इज 9 लाख, दे रहा है, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है दैट इज 11 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है मेरे पास 1.1 मिलियन दैट इज 11 लाख मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ड्यूरिंग द ईयर कुछ ग्रांट हमने रिलीज किए दैट इज डेफर्ड इनकम डेबिट और पीएनएल क्रेडिट 1 लाख से, 1 लाख से हमने यहाँ पे रिलीज किए हैं तो 1 लाख से हमने डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दिया। अच्छा अब अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है दैट इज 12 लाख माइनस 9 लाख दैट इज 3 लाख ये मेरे पास है। ये क्या है, ये मेरे पास बैंक है, यानी कि ग्रांट रिसीव ये बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। रिक्वायरमेंट देखिएगा बड़ी जबरदस्त है, कह रहा है सेलेक्ट टू अमाउंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या क्या आएगा, नंबर वन मैंने यहाँ पर जो रिलीज किया है, रिलीज कैटेगरी क्या बन रही है, डेफर्ड इनकम डेबिट एंड पीएनएल क्रेडिट। इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, नो। सो ये नॉन कैश इनकम है, ये जो इनकम आपने रिकॉर्ड किया इट्स अ नॉन कैश,
कोई कैश इसके अंदर आपके पास डेबिट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब पहले तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा नॉन कैश आइटम के अंदर। तो पहली चीज क्या करें और कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकम रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो मुझे प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, दैट इज यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा डिक्रीज ऑफ 1 लाख ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि मुझे यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी। तो एक तो अमाउंट ये आपने करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम के अंदर। दूसरा, अब मेरे पास यहाँ पे ग्रांट जो रिसीव हो रही है, कितनी ग्रांट रिसीव हो रही है, 3 लाख, तो कैश रिसीव फ्रॉम ग्रांट 3 लाख इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 1 लाख की ग्रांट रिसीव नहीं हुई, मुझे कितनी ग्रांट रिसीव है, दैट इज 3 लाख की, तो ये मेरे पास ऑप्शन सेलेक्ट होगा कि मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ग्रांट रिसीव आएगा, दैट इज $3 लाख। आई होप कि ये बात क्लियर भी होगी और समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने जो है वो कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। एक तो ये जो सेक्शन ए और बी के अंदर नॉर्मल इस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट हो सकते हैं, ओटीज टेस्ट हो सकते हैं, और दूसरा एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, तो उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो वीडियो उसके अंदर जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कैश फ्लो का हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑल्दो F7 लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो कैश फ्लो के लॉन्ग में आने के, सेक्शन सी में आने के चांसेस रीजनेबली थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी अगर टेस्ट कर भी लेता है एग्जामिनर तो किस तरीके से इसको आपने कोप अप करना है, किस तरीके से इसको हम डील करेंगे, जरा हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इम्मा कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिएगा कैश फ्लो का जब भी क्वेश्चन होगा दो चीजें एग्जामिनर आपको लाजमी देगा, नंबर वन पीएनएल और दूसरा आपको देगा दैट इज द बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या है, यानी कि करंट ईयर की और लास्ट ईयर की आपको बैलेंस शीट जरूर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर जो है पीएनएल गिवन है यहाँ पे, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस वगैरह गिवन है, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है, दैट इज 20X1 एंड 20X2 की मेरे पास यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है, एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है और इक्विटी का पोर्शन भी मेरे पास है। इसके बाद मेरे पास कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, That is the proceed on sales of non-current asset investment आपके पास दे रहे हैं, fixture and fittings आपके पास दे रहे हैं, इसी तरीके से non-current asset का एक और data आपके पास दिया हुआ है। During the year company ने कुछ provision record किया उसकी information में बस provide कर रहा है, इसी तरीके से कुछ shares वगैरह issue किए हैं, short term investment और dividend के बारे में कुछ information दे रहा है। सर जब इतना सारा data मेरे पास दिया हुआ है तो मैं किस तरीके से question को start करूँ, उसका best way ही है कि आप format के ऊपर base कर जाए, यानी कि हम यहाँ पर पहले करेंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बेसिस के ऊपर काम करेंगे। और जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा होता है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही स्टार्ट करूंगा। और याद रहे मुझे इनडायरेक्ट मैथड से करना है, और अगर इनडायरेक्ट मैथड से अगर मुझे करना है तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करूंगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेफिनेटली मुझे पीएनएल से मिलेगा, पीएनएल से मुझे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है दैट इज $300, तो $300 का मेरे पास यहाँ पर क्या गया, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आ गया। एक बात हमें पता है कि जब भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर आपके पास एक्रुअल बेस, या मैं कहूँ कि नॉन कैश आपके पास यहाँ पर कुछ आइटम्स भी इसके अंदर अकाउंटेड फॉर है, नॉन कैश आइटम भी इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ अकाउंटेड फॉर होते हैं जिसके अंदर मुझे उसकी एडजस्टमेंट करना लाजमी है। तो उसकी एडजस्टमेंट्स क्या क्या हो सकती है, अगर मैं क्विकली रिकॉल करूं तो नंबर वन अगर कोई डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, तो वो उसके अंदर एक एडजस्टमेंट होगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हम करेंगे, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रांट इनकम अगर कोई हमने रिलीज की है ड्यूरिंग द पीरियड तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये कुछ मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल एडजस्टमेंट है जो कि मेरे पास यहाँ पर हो सकती है, तो मुझे इन एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा। तो मैं क्विकली क्वेश्चन को एक मतलब स्किम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या चीजें इसके अंदर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर पीएनएल देखा जाए, बैलेंस शीट, अच्छा मेरे पास पीएनएल अगर देखा जाए तो पीएनएल के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है अदर इनकम, जिसमें कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव 25 है। अच्छा गुड हो गया, आगे चलते हैं जरा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट मेरे पास दे रहा है 75, और याद रखिएगा फाइनेंस कॉस्ट मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि मैं इसको एड बैक कर दूंगा। रीजन इज क्यों एड बैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फाइनेंस कॉस्ट है नॉर्मली ये मेरे पास अक्रूड बेस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मेरे पास दे रहा होता है ये इंटरेस्ट जो होता है ये अक्रूड बेस होता है, मैं उसको लेस करूंगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड के अमाउंट लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से।
फिलहाल मैं यहाँ पे उसको एड बैक करवा दूंगा, यानी कि नॉन कैश आइटम कंसिडर करते हुए मैं इसको 75 यहाँ पे एड बैक करवा दूंगा। दैट इज 75 मैंने एड बैक करवा दिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स, अभी हमने इसमें एडजस्ट किया ही नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर इनकम टैक्स अभी माइनस नहीं है, तो मैं इसको एड बैक नहीं करवा रहा। अच्छा, एक चीज इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर के नॉन करंट एसेट मेरे पास यहाँ पर गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पर गिवन है। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसी तरीके से मेरे पास इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, एनवायरमेंटल प्रोविजन मेरे पास दे रहा है और लाइबिलिटीज मेरे पास यहाँ पर प्रोवाइड करा है। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं कि प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी कि हमने नॉन करंट एसेट कुछ बेचे हैं जो $30,000 के बेचे हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट जब हम बेच रहे हैं तो डेफिनेटली उस नॉन करंट एसेट के बेचने के ऊपर हमें कोई ना कोई गेन और लॉस और डिस्पोजल भी हो रहा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर वो गेन और लॉस और डिस्पोजल कहां पर रिकॉर्डेड होगा? डेफिनेटली वो पीएनएल के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो पीएनएल के अंदर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा, उस गेन और लॉस को हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो डेफिनेटली वो नॉन कैश आइटम है तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फिक्सचर एंड फिटिंग विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 85,000 कैरिंग अमाउंट वाज सोल्ड फॉर 32,000। हमने फिक्सचर्स भी हमने बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बेची है और फिक्सचर्स भी हमने सेल आउट किए। अच्छा, इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, और जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर आपके पास कह रहा है कि हमने कुछ प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, यानी कि परचेज ऑफ क्वेरी आपके पास है जिसको परचेज करने के लिए हमने प्रोविजन बनाया, डेफिनेटली वो प्रोविजन नॉन करंट एसेट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैपिटलाइज होता होगा। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में कह रहा है कि हमने इशू किए और ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20 सेंट्स पर शेयर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विडेबल है, वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए अमाउंट दे रहा है, उसको एंड में देखेंगे इंशाल्लाह, और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास यहाँ पे $80,000 दे रहा है। अच्छा, एक चीज के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट रिसीव मेरे पास लिखा हुआ है, दैट इज $25 मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है, दैट इज $25। ये मेरे पास क्या है? ये प्योर कैश बेस्ड है, ये मेरे पास प्योर कैश बेस्ड है, ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, रिसीव को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? ऑल्दो ये कैश बेस्ड है लेकिन मैं फिर भी इसको क्यों इसको मैं ऐसे रिमूव कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। तो मैंने $25 यहाँ पे क्या कर रहा है, $25 में यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। $25 में यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको इंक्रीज करूंगा, लेकिन कहाँ पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मुझे गेन और लॉस के ऊपर वर्किंग करनी है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है। तो आए सर, हम यहाँ पे एक वर्किंग करते हैं और यहाँ पे हम वर्किंग करने जा रहे हैं W1, यानी कि वर्किंग करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रिलेटेड, सॉरी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या ही अच्छा हो जाता अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल दे देता, लेकिन उसने मुझे अभी पीएनएल के अंदर नहीं दिया तो मुझे डेफिनेटली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आया जरा इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पे सेल आउट किए, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम क्लियर भी करते थे गेन ऑन डिस्पोजल हम किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, हमने बेची है 30,000 की, अगर मैं बैलेंस शीट में थोड़ा सा देख लूँ कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने में रिकॉर्डेड है, तो इन्वेस्टमेंट $25,000 की थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी दैट वॉज 25,000 की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी और हमने यहाँ पे इसको बेचा है, यानी कि सेल्स प्रोसीड हमारे पास यहाँ पर दे रहा है और सेल्स प्रोसीड हमारे पास कितनी दे रहा है, दैट इज हमने ये इन्वेस्टमेंट बेची है सेल आउट की है कितने की, दैट इज फॉर $30,000। तो $30,000 की हमने बेची है, दैट मीन्स के हमने 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट 25,000 वाली इन्वेस्टमेंट हमने 30,000 बेची, दैट मीन्स के हमें गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल हमें इम्पैक्ट रिमूव करना पड़ेगा और ये गेन ऑन डिस्पोजल हम रिमूव कर देंगे 5,000 से, और डेफिनेटली ये गेन अगर मुझे इम्पैक्ट रिमूव करना है तो मुझे अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करूंगा क्या, माइनस कर दूंगा और हम यहाँ पे सेल को लिंक कर देते, यानी कि -5,000 हमने यहाँ पे कर दिया, दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल। इसके अलावा एक और एसेट भी हमने बेचा है, दैट इज फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 85,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ 45,000 में सोल्ड फॉर $32,000। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने जो है वो 45,000 बुक वैल्यू वाला एसेट आपने 32,000 में बेच दिया, यानी कि
बुक वैल्यू अगर मेरे पास देखो, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है हमारे पास? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर हमारे पास थी दैट इज 45,000, 45,000 आपके पास यहाँ पे बुक वैल्यू थी, और ये हमने सेल आउट किया कितने का? 32,000 का हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया, दैट इज अगेन सेल्स प्रोसीड, 32,000 का हमने बेच दिया। इट मीन्स 45,000 वाला एसेट आपने जो है वो 32,000 के अंदर सेल आउट कर दिया। और आए जरा देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल आपके पास यहाँ पर आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल। और इस लॉस ऑन डिस्पोजल को हम करेंगे क्या सर? इस लॉस ऑन डिस्पोजल को हम एड बैक करवाएंगे क्योंकि लॉस ऑलरेडी माइनस होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस कर देंगे, ओ सॉरी एड बैक कर देंगे, तो 13,000 हम क्या कर देंगे इसके अंदर एड बैक कर देंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल हमने यहाँ पे कर दिया। तो फाइनेंस कॉस्ट हम यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव जो था हमने माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया फिर रिसीव बता रहा हूँ, क्योंकि है ये कैश बेस, लेकिन चूंकि मुझे इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करना है तो मैंने यहाँ से इसको फिलहाल रिमूव कर दिया। गेन ऑन डिस्पोजल को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो लॉस ऑन डिस्पोजल है उसको मैंने यहाँ पे एड बैक करवा दिया विद 13,000 डॉलर। अच्छा, इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या नॉन कैश आइटम है, तो मुझे डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट मेरे पास यहाँ पर जो दे रहा है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेरे पास यहाँ पर जो दे रहा है नेट बुक वैल्यू दे रहा है, इसकी कॉस्ट की डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर नीचे गिवन है, कॉस्ट की डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो आए जरा हम यहाँ पर नॉन करंट एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी वर्कआउट कर ले। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर मैं लेजर, अब इसके दो चीजें, मैं लेजर भी बना सकता हूँ, प्लस माइनस करके भी कर सकता हूँ। नॉर्मली लेजर बना के काम थोड़ा आसान हो जाता है, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका एक्सेल में क्या है कि आप ये दो कॉलम को कंसिडर करें, ये जो राइट वाला कॉलम है ये आपका क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दे रहा है दैट इज 290, तो 290 को मैंने पुट कर दिया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज 340, तो मैंने 340 को यहाँ पे डेबिट साइड पे पुट कर दिया। मुझे यहाँ पर जो है वो रीजन या मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 290 मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स डिस्पोज ऑफ किए, जब हमें पता है कि कोई फर्नीचर एंड फिक्स्चर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पर्टिकुलर फर्नीचर एंड फिक्स्चर का हमारे पास, उस पर्टिकुलर फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स का हम नॉर्मली करते क्या है, हम उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म कर देते हैं, तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो हम खत्म कर देंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना? फर्नीचर एंड फिक्स्चर की कॉस्टिंग है 85 और हमने ये कैरिंग अमाउंट डिसाइड किया 45, इसका मतलब ये है कि 85 और 45 जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है दैट इज 40,000, 85 माइनस 45 यानी कि 40,000 का ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो कर रहा है, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, 40,000 को हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड और कोई इस तरह की चीज जो भी हो? नहीं सर, इस तरह की और भी कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है दैट इज 340 प्लस 40 एंड माइनस 290, तो ये हमारे पास क्या रहा है दैट इज 90, ये 90 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जो कि मुझे यहाँ पे एड बैक करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, 90,000 में यहाँ पे एड बैक करवा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट में लेस हो चुका होगा, तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो एड बैक करवा दिया। याद रहे अभी हमारी कैश फ्लो ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम कर क्या रहे हैं, प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, और अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट को एडजस्ट करने जा रहा हूँ, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सम। अच्छा, इनटेंजिबल का अगर कोई एमोर्टाइजेशन होता तो वो भी मैं करता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास इनटेंजिबल का कोई भी एमोर्टाइजेशन गिवन नहीं है, अभी मेरे पास कोई भी इंटेंजिबल का एमोर्टाइजेशन की डिटेल्स वगैरह गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन का कोई ओपनिंग बैलेंस मेरे पास अभी फिलहाल गिवन नहीं है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि इस इंटेंजिबल एसेट की एमोर्टाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि कुछ इंटेंजिबल ऐसे होते हैं जिनकी एमोर्टाइजेशन नॉर्मली नहीं की जाती। खैर, आगे चलते हैं जरा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अब मेरे पास यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, मैं करूंगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर नॉर्मली हम करेंगे क्या, सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल एंड पेबल देखेंगे।
तो अगर मैं पहले यहाँ पे देखूं इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले 102 थी, अब 150 हो चुकी है। इसका मतलब ये कि 150 माइनस 102 दैट मींस 48 का मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और ये डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48, मैं 48 को यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, दैट इज माइनस 48। बेस्ट ही हो जाए कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दें, यानी कि अगर टाइम आपके पास हो डेफिनेटली पेपर के अंदर, तो 150 या 102 माइनस 102 माइनस 150 तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूले के थ्रू आप बता देंगे तो 48 आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इंक्रीज इन इन्वेंट्री के अलावा और कोई ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इतफाकन हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, 315 से 390 हो गए, 315 से 390 हो गए, दैट इज 315 माइनस 390, तो ये आपके पास इंक्रीज इन रिसीवेबल्स हैं, ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तो ये भी आपने क्या कर दिया, इसके अंदर से माइनस कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई अकाउंट्स, इन्वेंट्री नॉर्मली होती है, इन्वेंट्री रिसीवेबल्स, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है ये उसको कंसीडर करेंगे फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको भी छोड़ दें इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो और चीजें जो नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है, दैट इज अकाउंट्स पेबल, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स भी मेरे पास दे रहा है 119 से 127, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन पेबल्स नॉर्मली हम प्लस करते हैं, इंक्रीज इन पेबल्स को हम प्लस कर देंगे अकाउंट पेबल को, तो 127 से 129, 127 माइनस 119, तो ये हमारे पास इंक्रीज इन पेबल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा नॉर्मली क्या चीज आ सकती है इसके अंदर, आपके पास इंटरेस्ट पेड है, टैक्स पेड है, और इसी तरीके से डिविडेंड पेड है, तो एज इन चीजों को हम सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड वगैरह की कोई अमाउंट वगैरह हमारे पास आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट याद रहे हमने ऊपर एड बैक करवाया था, तो इंटरेस्ट पेबल से रिलेटेड क्या कोई हमारे पास लेजर्स वगैरह गिवन है, इंटरेस्ट पेबल से रिलेटेड हमारे पास कोई लेजर्स वगैरह, टैक्स पेबल से रिलेटेड कोई लेजर्स वगैरह, ये हमारे पास सारी चीजें गिवन है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल से रिलेटेड कोई हमारे पास लेजर्स गिवन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट पेड, याद रहे कि पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट मेरे पास गिवन था 75, मैं इसको अक्रूड कंसिडर करूंगा अगर मेरे पास इसका ओपनिंग और पेबल गिवन है, अगर ओपनिंग और पेबल नहीं गिवन तो उसका मतलब फिर यही कैश पेड है, यही इंटरेस्ट पेड है, तो इंटरेस्ट पेड आपके पास जो है 75, ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता तो मैं लेजर बना के इंटरेस्ट पेड के अमाउंट को कैलकुलेट करता, फिलहाल मेरे पास गिवन नहीं है, चलिए खैर। इसके अलावा टैक्स पेड के अमाउंट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टैक्स पेड के अमाउंट को। अच्छा, आए जरा देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम टैक्स गिवन है, और ये इनकम टैक्स अभी हम फिलहाल कंसिडर करेंगे 140 अक्रूड इनकम टैक्स है, अगर तो इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, अगर टैक्सेशन का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो उसको मैं जो है वो टैक्स पेड कंसिडर करूंगा, कैश कंसिडर करूंगा। टैक्सेशन का फिलहाल ओपनिंग बैलेंस गिवन है 110 और क्लोजिंग है 120, तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ और टैक्सेशन की वर्किंग कर लेता हूँ W3, और टैक्सेशन की वर्किंग के लिए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दे रहा है कितना, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज 110, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज 120, 120 का क्लोजिंग बैलेंस है, और इनकम टैक्स एक्सपेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है दैट इज 140, तो मेरे पास जो डिफरेंस होगा दैट इज 110 प्लस 140 माइनस 120, तो मेरे पास यहाँ पे 130 क्या आ गया, दैट इज दी टैक्स पेड, तो टैक्स पेड के अमाउंट मेरे पास आ गया दैट इज 130, तो मैंने यहाँ पे जो है वो माइनस 130 जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ये क्या गया दैट इज टैक्स पेड, तो टैक्स पेड मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया दैट इज 130 से रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन, यस डिविडेंड पेड को भी ढूंढना पड़ेगा, और इत्तेफाक है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, तो मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगर कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते, हम रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्रिपेयर करते, अभी फिलहाल मेरे पास डिविडेंड पेड डायरेक्टली गिवन है, तो मैंने यहाँ पे रिटेन अर्निंग को बैलेंस या लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने डिविडेंड पेड यहाँ पे $80 से यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर माइनस कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें नॉर्मली आती है, नॉर्मली यही चीजें मेरे पास होती है इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, कि अगर आपका कोई रिसीवेबल और इन्वेंट्री और पेबल के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड एंड डिविडेंड पेड, नॉर्मली ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर होती है। अगर आप इसका टोटल कर लेते हैं और 448
इसमें ये सारी एडजस्टमेंट हमने की, ये मेरे पास आ जाएगा 48, दैट इज नोन एज व्हाट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर वो इतनी सारी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, उसका क्या करें? याद रहे आपने फॉर्मेट वाइज चल रहा है, आप फॉर्मेट वाइज लेके चलेंगे, अगर फॉर्मेट वाइज लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो चीजें थी पहले आपने उसको सर्च आउट किया, उसको आपने पहले किल कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हम कैश फ्लो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कुछ तीन चार चीजें आपके पास नॉर्मली आती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट की परचेज और सेल है, इसी तरीके से आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है और ग्रांट आपके पास रिसीव किए। तो ये कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है जिससे मैंने यहाँ पे ढूंढना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई नॉन करंट एसेट खरीदा बेचा है, यस सर बिल्कुल खरीदा और बेचा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, यानी कि मैंने कुछ नॉन करंट एसेट बेचे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की सेल्स प्रोसीड, इन्वेस्टमेंट सेल्स प्रोसीड, और एग्जामिनर ने मुझे खुद यहाँ पर दे दी है इन्वेस्टमेंट सेल्स प्रोसीड कितनी है, और सेल्स प्रोसीड का मतलब पैसे आ रहे हैं, और जब पैसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इसके अंदर एड बैक कर दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट की सेल्स प्रोसीड $30 है जो कि मैंने यहाँ पे एड कर दिए। इसी तरीके से फर्नीचर भी मैंने बेचा है, और फर्नीचर सेल्स प्रोसीड भी मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, सेल्स प्रोसीड्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है, और वो कितनी है देखते हैं जरा। अभी हमने वर्कआउट किया था तो सेल्स प्रोसीड्स की है 32,000, 32,000 ये भी हमने डायरेक्टली इसके अंदर ऐड बैक कर दिया। और याद रहे सेल्स प्रोसीड हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमने कुछ शायद एसेट परचेज भी किए जिसमें हमारे पास यहाँ पर दे रहा है डाटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, या फर्नीचर के बारे में कह रहा है कि आपने जो है बेचा है, और आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह दे रहा है। हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस पुट करते हैं, और जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको पुट करते हैं, अगर लेजर इक्वल हो गया इसका मतलब कोई एसेट मैंने परचेज नहीं किया। तो आए जरा देखते करके उसको ट्राई करते हैं जरा, कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बना लेता हूँ, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ताकि कुछ अकाउंट चीजों को हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सके कि क्या चीजें हैं वो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है 595, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज 720। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट का बजट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं इसके अंदर, जिसके अंदर उसने मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 290 और क्लोजिंग 340 दिया हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ एसेट डिस्पोज करा, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने मुझे $40 दे दिया था इसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो 90,000 वो जो हमारे पास था, ये हमारे पास क्या था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास था। खैर, अब आते जरा यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर कह रहा है कि एक फर्नीचर फिक्सचर आपने बेचा, उसकी कॉस्ट है 85। तो 85 अगर उसकी कॉस्ट है तो उसका मतलब ये कि हमने बेच दिया होगा, तो डिस्पोजल को हम 85 से क्रेडिट करेंगे। सर पहली बात कि क्या हम उसको नेट बुक वैल्यू पे क्रेडिट नहीं करेंगे? नहीं, ये स्पेसिफिकली मैंने कॉस्ट का लेजर बनाया है। किसका लेजर बनाया है मैंने? ये कॉस्ट का लेजर बनाया है, तो उसका मतलब ये है कि पीपीई का कॉस्ट का लेजर है, तो उसमें सिर्फ हम कॉस्ट को ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट के नाम से हमने $85 यानी कि उसकी कॉस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से $85 से जब हमने क्रेडिट कर दिया, और एक एडजस्टमेंट दे रहा है ऑन 31 दिसंबर 2002, इसी साल के एंड पे कह रहा है कि इम्मा कंपनी परचेज अ चॉक क्वेरी फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन विल बी टेकन प्लेस फॉर 5 years, एट द एंड ऑफ द ईयर इम्मा कंपनी विल बी ऑब्लाइज टू क्लोज ऑफ क्वेरी एंड मेक अ एरिया सेफ। यानी कि उसको यहाँ पर जो है अपने एरिया को साफ करके जाना पड़ेगा। द कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड डिस्काउंटेड टू अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 40,000। 40,000 का उसको यहाँ पर जो है वो एस्टिमेट है कि ये 40,000 जो है आपके पास यहाँ पर प्रोविजन रिकॉर्ड किया इसने, और इसके अंदर उसने डेफिनेटली एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है नॉन करंट एसेट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं, तो नॉन करंट एसेट के अंदर हमने प्रोविजन के नाम से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 40,000 को यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। तो ये 40,000 हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसी तरीके से शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, और मेरे पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कोई मजीद इन्फॉर्मेशन गिवेन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल लूँ तो मेरे पास 85 प्लस 720, तो डेबिट साइड शॉर्टर आ रही है बाय द वे, 85 प्लस 720, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 595 एंड माइनस कर देंगे, यानी कि क्रेडिट में से डेबिट साइड को जब मैंने डिफरेंस निकाला तो ये मेरे पास यहाँ पे 170 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन। क्या मैं इसके आगे स्लैश डाल के बैंक भी लिख सकता हूँ,
या देखिए ये आपके पास अमाउंट क्या बता रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और इसी तरीके से बैंक क्रेडिट, ये $70 का आपके पास क्या दे रहा है, ये आपके पास एडिशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक चीज इसके अंदर हमारे पास जो एक ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और आपने हमेशा ऑब्जर्व करना है वो ये कि आपके पास यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे कि मेरे पास अगर इक्विटी साइड पे देखो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग कितना दे रहा है 91, क्लोजिंग कितना दे रहा है 100, तो उसका मतलब ये है कि रीवैल्यूएशन सब यानी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट्स को रीवैल्यू किया है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा होगा। तो इंक्रीज जो रीवैल्यूएशन आ रहा है दैट इज $9 का, तो $9 का इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन है। इसका मतलब ये कि मैं इसमें से आगे माइनस कर दूंगा, दैट इज $9 को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा है दैट इज एडिशन जो आ रहा है दैट इज $161 का मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज दी इंक्रीज यहाँ पर शो कर रहा है। और इंक्रीज का मतलब क्या है कि नॉन करंट एसेट हमने परचेज किया, और अगर परचेज किया तो इट मीन देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो हम यहाँ पे एडिशन ऑफ पीपी कर देंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट मेरे पास आ रही है दैट इज 161 की, हमने इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, दैट इज एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमने यहाँ पे इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके लिए मुझे नॉन करंट एसेट को ऑब्जर्व करना होगा। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया। इनटेंजिबल एसेट $200 के थे अब $250 के हो गए, इसके अंदर कोई आपके पास मजीद डिस्पोजल वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो सिंपली $50 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन या परचेज ऑफ भी कर सकते हैं, इंक्रीज इन इनटेंजिबल, और इनटेंजिबल में इंक्रीज होने का मतलब है डेफिनेटली आपने इनटेंजिबल परचेज किए, तो हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है डेफिनेटली यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो उसका मतलब 200 माइनस 250, तो ये हमने क्या कर दिया इसमें से $50 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट मेरे पास दे रहा है, और इन्वेस्टमेंट पहले कितने डॉलर की थी, $25 की थी, और अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो भी मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी मैंने बेच दी, और अगर बेच दी तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई कैश रिसीव हो रहा होगा, मेरे पास कोई ना कोई कैश रिसीव यहाँ पर हो रहा होगा, यानी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई ना कोई कैश रिसीव हो रहा है। और कितने की बेची है हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की सेल्स प्रोसीड कितनी दे रहा है दैट इज $30, तो मुझे अब उसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद और कोई चीज रह गई है सर, एक चीज अगर आपको याद हो तो पीएनएल के अंदर हमने इंटरेस्ट रिसीव को रिमूव किया था ऐसे ही, और अब ये इंटरेस्ट रिसीव को रिकॉर्ड करने का वक्त आ गया कि ये इंटरेस्ट रिसीव क्या है। सर, ये इंटरेस्ट रिसीव एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो मैंने क्या करना है इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ पे $25 से यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ पर ऐड कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर अगर नॉन करंट एसेट साइड पे देखो तो और कोई मेरे पास एसेट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मेजर कंसर्न जो है वो नॉर्मली नॉन करंट एसेट के साथ होता है, तो मेरे पास यहाँ पे 124 यहाँ पर आ गया दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, लास्ट कंपोनेंट हमारे पास अब रह गया दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली क्या आता है, शेयर्स एंड लोन, नॉर्मली शेयर्स एंड लोन मेरे पास आते हैं, और आज ज्यादा देखते हैं शेयर से रिलेटेड मुझे इक्विटी के पोर्शन को देखना पड़ेगा, और इक्विटी के पोर्शन अगर तक वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, प्रीमियम का भी ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, और शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का आपके पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 150 है, और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस भी 150 है, दोनों को प्लस करके आप लिख दे 300, और क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं देखूं तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 200 एंड प्रीमियम का 160, तो 200 प्लस 160 तो ये पास कितना हो गया 360, ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर इक्विटी से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा है 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स वर इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 सेंट्स पर शेयर, तो पार वैल्यू $1 है, इसका मतलब 1.20,
1.20 के आपने शेयर्स इश्यू किए होंगे और 50,000 शेयर्स इश्यू किए तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20 दैट इज 60,000 के आपने शेयर्स इश्यू किए होंगे। और वाकई में मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 60,000 का मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज 360 माइनस 300। तो ये मेरे पास क्या, दैट इज बैंक यानी कि प्रोसीड्स मेरे पास आ रहा। तो ये बैंक मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है यानी कि प्रोसीड, इसको हम कहते हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स। शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली 60,000 मेरे पास रिसीव हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और 60 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 60 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है यानी कि हमने शेयर्स इश्यू किए हैं। अच्छा, इसके अलावा इक्विटी के अंदर और कोई चीज सर, इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग है उसको हम इंशाल्लाह एंड में देख लेंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर नॉर्मली जो है वो आप डिविडेंड वगैरह फाइंड आउट करते हैं, लेकिन डिविडेंड आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन भी मेरे पास दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास कितने थे, $50 के थे, अब $130 के हो गए। लॉन्ग टर्म लोन का बढ़ना है, लॉन्ग टर्म लोन का बढ़ने का मतलब क्या है कि सर आपके पास पहले जो लोन था वो था $50 का, 130 यानी कि लोन बढ़ गया, और लोन बढ़ने का मतलब पैसे मेरे पास आ रहे, तो उसका मतलब देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, देर इज एन, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, हमने लोन की और बोरोइंग्स की है, तो इट मीन 130 में से माइनस कर देंगे क्या 50, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश आपके पास आ गया, दैट इज $80 का इनफ्लो ऑफ कैश हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मेरे पास यहाँ पर, इसके अलावा अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से एनवायरमेंटल प्रोविजन दे रहा है। अच्छा, एनवायरमेंटल प्रोविजन से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा, एनवायरमेंटल प्रोविजन जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपने नॉन करंट एसेट को डेबिट किया होगा और प्रोविजन फॉर यानी कि लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होगा, जैसे कि इसमें मेरे पास कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, नो डाउट एनवायरमेंटल प्रोविजन मेरे पास जीरो था, अब 40 हो चुका है, लाइबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन मेरे पास देर इज नो इनफ्लो ऑफ कैश, तो उसका मतलब ये है कि मैं उसको यहाँ पे कैश फ्लो के अंदर शो नहीं करूंगा। और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मली इक्विटी से ही आपको मिलेगा इसके अंदर, यानी कि लाइबिलिटी और आपके पास इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी से ही आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगी। खैर, तो उसका मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज सम कर देंगे दोनों को, तो ये आपके पास कितना आ गया 140 और इसको भी हम सेकंड कॉलम में रखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास आ गया। तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीनों एक्टिविटीज हमने यहाँ पे कर ली। अब तीनों का जरा टोटल कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, नेट कैश फ्लोज हमारे पास कितना आ रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सम कर देंगे तीनों को हमने यहाँ पे सम कर दिया और ये हमारे पास आ रहा है दैट इज 64 का नेट कैश फ्लोज आ रहा है। अब इसके अंदर अगला काम क्या करना होता है, अब एड करते हैं क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि कैश और कैश जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, एक तो कैश इटसेल्फ हो गया, इसके अलावा कैश जैसे का मतलब क्या है, यानी कि जिसकी बिल्कुल हाई लिक्विडिटी हो, यानी कि जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो या बिल्कुल कैश जैसे ही हो, तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि उनको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ करंट एसेट्स के अंदर, तो करंट एसेट्स के अंदर बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इटसेल्फ दे रहा है ओपनिंग, मुझे यहाँ पे चाहिए ओपनिंग, तो $1 मेरे पास दे रहा है यहाँ पे, नंबर वन $1। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जीरो दे रहा है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्या है, ये भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यहाँ पे उसने लिख भी दिया, ये नहीं भी लिखता तब भी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर करता। क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर हाईली लिक्विड एंड आर क्लोज टू मेच्योरिटी, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने जीरो कंसिडर कर लिया। अच्छा, इसके अलावा बैंक नहीं है मेरे पास, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहा है, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहा है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा, तो 98 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज 98, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, दैट इज माइनस का 97। अब मैं करूंगा क्या, इसको प्लस कर दूंगा, यानी कि 64 माइनस 97, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 33, और ये माइनस 33 क्या है, ये आपके पास आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पर आ गया। सर ये माइनस 33 क्या ये कहीं से वेरीफाई हो सकता है, यस सर, मैं बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे, ये आपको पेपर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरे पास क्लोजिंग मेरे पास क्या गिवन था, क्लोजिंग करंट एसेट्स में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास गिवन था कैश दैट इज $2,
प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे पास गिवन थी दैट इज 50, तो 50 इसके अंदर प्लस कर दिया, एंड माइनस क्लोजिंग पे कुछ ओवरड्राफ्ट भी मेरे पास था दैट इज 85, तो 85 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया माइनस का 33, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपके पास यहां पर आ रहा है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बता क्या रही है कि टोटल आपने ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करके ड्यूरिंग द ईयर आपने 64,000 डॉलर का कैश फ्लो जनरेट किया है। स्टार्ट में आपके पास नेगेटिव -97,000 डॉलर थे, इस साल आपने 64,000 का कैश फ्लो जनरेट कर लिया जिससे आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस 97 से कम होके अब 33,000 डॉलर का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया, दैट इज द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई गेस क्लियर हो रहा होगा उसके अंदर। और ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा आपके पास इक्वल होना चाहिए, यानी कि आप रिकनसाइल कर सकते हैं सो दैट आपको पता चल जाए कि आपने सही किया या नहीं किया। समिंग अप, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को और जो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने तमाम चीजों को डाटा को स्किम करना है, नंबर वन। नंबर टू आप फॉर्मेट बेस चलेंगे। फॉर्मेट बेस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करना है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करने वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन आपने नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट्स करनी है। जो पॉसिबल नॉन कैश आइटम्स है मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था उसी को आपने फॉलो करना है, यानी कि नॉन कैश आइटम्स को आपने फॉलो करना है। मैं फॉर्मेट फिर से दिखा देता हूँ कि नॉन कैश आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉन कैश आइटम्स की एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूँ तो ये एडजस्टमेंट्स है नॉन कैश आइटम की, ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, पेमेंट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज। ये प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज आपके पास क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लीगल प्रोविजन बनाया, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट, पेनल्टी पेबल क्रेडिट। एनवायरमेंटल कॉस्ट का प्रोविजन नहीं है ये, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट को हिट करता है, वो पीएनएल को हिट नहीं करता। ये डिसमेंटलिंग का प्रोविजन नहीं है क्योंकि वो नॉन करंट एसेट को हिट करता है, पीएनएल को हिट नहीं करता, तो उसका प्रोविजन हम रिमूव नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल था, वो नॉन करंट एसेट को डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने वहां पर उसको नॉन कैश आइटम में एडजस्ट नहीं किया। इसी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स है, एक्वल्स है, गवर्नमेंट ग्रांट या इनकम है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस है, इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पर है, तो वो हमने यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद फिर हम वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल पेबल एंड इन्वेंट्रीज, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड को वहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे। ये करने के बाद फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली जो आइटम्स होते हैं वो आपके पास नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आपको मिलेंगी वो नॉन करंट एसेट्स से आपको मिलेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इनकी अगर कोई आपके पास यहाँ पर परचेज और सेल है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। सेकंडली इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर दो ही चीजें आएंगी, ऑर्डिनरी शेयर्स और लोन, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह की रीपेमेंट वगैरह है तो वो आपके पास वहां पर जो है रिकॉर्ड की जाएगी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। सो दैट वॉज फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ कि अगर सेक्शन सी के अंदर एग्जामिनर टेस्ट करता है तो दैट इज गोना टू बी द बेनिफिशियल और द पॉजिटिव साइड फॉर द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेट बेस्ड आपने काम कर रहा है। मैं अगर कहता हूँ कि आपके पास आखिर में 10-15 मिनट पड़े हैं और आपने टाइम कम है, आप पूरा नहीं कर सकते क्वेश्चन, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री और पेबल्स, ये वो चीजें जो ऑन हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आप इन इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे एंड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट विल मार्क यू, एक एक एडजस्टमेंट आपको मार्क जो है वो रिवॉर्ड करेगी। तो उसका मतलब ये कि आप अपने 0.5, 1, 1.1, 1.5, 0.5 इस तरह के मार्क्स आप बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हैं। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये वो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली आपके पास ऑनलाइन गिवन होती है इन्फॉर्मेशन, जो आप बहुत इजीली वहां पर जो है वो फैच आउट कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इतने ज्यादा मुश्किल या कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज इसके अंदर नहीं है। इसके मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पे हैंड आउट करने के बाद दैट इज कॉलबी कंपनी, कॉलबी कंपनी का इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें, इट्स गुड क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस एक आधे क्वेश्चन की लाजमी करें सो दैट कि अगर एग्जामिनर अगर आपको लॉन्ग में भी पूछ लेता है तो आप उसको बहुत इजीली आंसर कर सके। इसके कुछ एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड आ रहे हैं तो आप उसको भी प्रैक्टिस वगैरह करें। थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अल्लाह हाफिज़।